तो आज का ये जो प्रोजेक्ट है वो हमने 3-phase फोर डिटेक्टर के साथ कोरोजन प्रोटेक्शन और अदर वर्ड्स इन कोरोजन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इम्प्लीमेंट किया है। तो आज हमने टोटल इसमें 30 प्रॉब्लम्स ये जो है वो 30 प्रॉब्लम्स इनमें हमने अप्लाई किए है और इसका वर्किंग भी साथों साथ हम डेमो में देंगे। तो इसकी सभी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, इसका कोड और डायग्राम भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी मैं एक बाद एक आपको सभी वर्किंग करके दिखाता हूँ, एक्चुअल में ये जो वर्किंग कैसे करता है इसकी सारी की सारी डिटेल में बताऊँगा। हमने मेन सप्लाई ये सिंगल फेज है हमारा, तो उसमें से हमने पैरेलल में करके उसको 3 RYB 3 phase के लिए डिवाइड किया है। एक्चुअल कंडीशन में तो क्या है, अगर 3 phase होगा तो 3 होगा, पर हमारे यहाँ सिंगल है तो इसलिए हमने 3 में डिवाइड किया है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वहाँ से उसको हमने रेक्टिफाई किए के 5 watt में कन्वर्ट किया है और वो जो सप्लाई है वो वहाँ से आएगा और ये जो बोर्ड है हमारा यहाँ आएगा। एक्चुअल में ये क्या है, हमने आर्टिफिशियल रजिस्टेंस यहाँ जनरेट किया है। ये कोरोजन मॉनिटरिंग सिस्टम ये जो है सेपरेट रखा है और ये दोनों लाइन टू ग्राउंड ये एक आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करके किया है। तो ये जो है आर्टिफिशियल रजिस्टेंस के ऊपर काम कर गया, एक्चुअल कंडीशन में तो ऑलरेडी रजिस्टेंस लाइन के बीच में रहेगा ही। तो ये जो यहाँ एक पिन है मीन्स ये एक स्विच, वो जो दो टावर है और वो उसके बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ टोटल हमने 2-2 किलोमीटर के बीच में डिवाइड किया है। एक्चुअल में तो क्या है, ये यहाँ एक टावर आ जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा और 5 टावर के बीच के 4 किलोमीटर मीन्स 4 जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है। यहाँ हमने प्रोग्रामिंग किया है, ये जो कितना अगर रजिस्टेंस आएगा तो उसके रिलेटेड वो आर्डिनो में कोडिंग किया है कि भाई कितनी वैल्यू आएगी तो वो इस टाइप का शो करेगा या कोई भी टाइप का फॉल्ट होगा तो वो शो करेगा। तो हम यहाँ हमने लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू लाइन के लिए 2 किलोमीटर फिक्स किया है, तो टोटल 2, 4, 6 और 8 किलोमीटर आएगा। सेम टू सेम यहाँ दूसरी जो सिस्टम हमने यूज़ की है ये कोरोजन मॉनिटरिंग, यहाँ से क्या है मॉनिटरिंग करेगा, भाई मान लो कोई किलोमीटर पर कोरोजन आपको जनरेट करते हैं तो वो सिर्फ डिस्प्ले में शो करेगा और बजर बजेगा। इससे यहाँ मेन जो सिस्टम है वो ऑफ नहीं होगा, अगर यहाँ लाइन टू लाइन लाइन टू ग्राउंड में फॉल्ट आएगा तो ये जो मेन सिस्टम है हमारा RYB का फेज वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, साथ में साथ यहाँ बजर भी डाला है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये जो पार्ट है, पहला है वो फ्लेम सेंसर के लिए मीन्स थर्मल प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा जो पार्ट है यहाँ वाला वो लाइन ब्रेकिंग के लिए है, और जो तीसरा है वो उसका बजर और जो पार्ट है उसके लिए यूज़ किया है। तो अभी मैं आपको सभी डिटेल बताऊंगा। अगर मान लो यहाँ फॉल्ट जनरेट होता है तो यहाँ से ये जो मेन सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, तो यहाँ एक के बाद एक में सभी फॉल्ट है वो आपको वर्किंग करके दिखा होगा। तो पहले इसको हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये हमारा सप्लाई हमने स्टार्ट किया है। अभी ये रेगुलर कंडीशन में स्टार्ट हो गया है, अभी आप देख सकते हो नो फॉल्ट। यहाँ भी कोरोजन सिस्टम में भी नो फॉल्ट है। अभी मैं यहाँ से पहला लाइन टू लाइन, अगर मान लो ये यहाँ ये एक 4 लाइन में से कोई मीन्स ये रेड है, तो अगर रेड में ये 2 किलोमीटर है, 4 है 6 है, अगर 2 किलोमीटर पर फॉल्ट जनरेट हो, ये सिंगल लाइन के लिए है, तो आप देख सकते हो ये बल्ब ऑफ हो गया, बजर स्टार्ट हो गया। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सेम टू सेम वाई में अगर फॉल्ट जनरेट होगा 6 किलोमीटर पर, तो ये सप्लाई ऑफ हो गया है, साथ में साथ यहाँ डिस्प्ले पर आप 6 किलोमीटर देख रहे हो वाई में। अभी नो रेगुलर कंडीशन सेम 8 किलोमीटर पर ब्लू, यहाँ भी आप देख सकते हो 8 किलोमीटर पर ब्लू। अभी मान लो दूसरा फॉल्ट है लाइन टू टू लाइन, अगर मान लो 1 लाइन और 2 लाइन, तो ये दोनों लाइन है ऑफ हो जाएगी। सेम टू सेम उसको रिमूव कर दोगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, अगर मान लो 3 लाइन में होगा है। उसके साथ यहाँ हमने बताया है किलोमीटर, तो वो भी ये डिस्प्ले करेगा। अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन में कर देते हैं तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ लाइन टू ग्राउंड के लिए अगर 8 किलोमीटर पर आ रहा है तो 8 किलोमीटर शो करेगा, लाइन टू ग्राउंड के लिए है, ये लाइन टू लाइन वाला है तो 3 फॉल्ट इसमें पहले आ गया, दूसरा जो है 4-6 तो वो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मान लो 2-3 लाइन हमने जनरेट फॉल्ट किया है। तो यहाँ 1 लाइन 2 लाइन, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू टू ग्राउंड, लाइन टू थ्री ग्राउंड, तो ये 6 फॉल्ट यहाँ से काउंट हो चुका है। दूसरा जो है 1 लाइन ब्रेकिंग, 2 लाइन ब्रेकिंग और 3 लाइन ब्रेकिंग, तो ये हमने यहाँ जो है अगर मान लो ये रेड के लिए है, इसको डी चेक करूँगा मैं,
तो ये बल्ब ऑफ हो गया, मीन सप्लाई हो गया। यहाँ बजर नहीं बजेगा क्योंकि हमने इसको इस टाइप का रिप्रेजेंट किया है, इसलिए अगर यहाँ बजर डालना चाहते हो तो भी हो सकता है। अगर मान लो ये वायर में फॉल्ट आएगा तो ये वायर ऑफ हो गया है, सेम टू सेम ब्लू। तो ये अभी तीनों के तीनों सप्लाई ऑफ हो गए, मीन्स लाइन ब्रेकिंग का है। अब आता है थर्मल के लिए, अभी मैं फिर से इसको रीजॉइंट कर देता हूँ तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने रीजॉइंट कर दिया है और आप देख सकते हो ये बल्ब फिर से स्टार्ट हो गया। अभी जो दूसरा है थर्मल और फायर प्रोटेक्शन, तो ये यहाँ हमने थर्मिस्टर डाला, यहाँ अगर फ्लेम सेंसर डालोगे तो भी चलेगा, पर ये बेटर आउटपुट देगा। अगर कई बार सनलाइट होगी तो डायरेक्ट ही ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसका क्या है, थर्मिस्टर वाला कोई अगर थर्मल या हीट आएगा तो ये स्टार्ट होगा। अभी आप देख सकते हो अभी ये ऑफ हो गया, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है थर्मल और फायर प्रोटेक्शन के लिए। अभी आता है दूसरा जो हमने न्यू फीचर ऐड किया है, वन लाइन कोरोजन डिटेक्शन, टू लाइन और थ्री लाइन। तो यहाँ हमारा जो है कोरोजन सेम टू सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ हमने यूज़ किया है, पर यहाँ क्या है कि सिर्फ बजर बजेगा, मेन सप्लाई अगर कोरोजन होगा तो सप्लाई ऑफ नहीं होगा, सिर्फ आपको अलर्ट कटेगा। तो ये मान लो 4 किलोमीटर पर रेड में है, तो ये आप देख सकते हो सेम टू सेम यहाँ अभी बंद नहीं होगा कोई सप्लाई। अगर दो में होगा तो दोनों में बजर बजेगा, सेम टू सेम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो ओके चलने लगेगा। अगर कोई तीन में आएगा तो ये तीनों के तीनों शो करेगा, देखो, और साथों साथ बजर बजेगा। अभी नॉर्मल कंडीशन में फिर से आ गया तो ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसका सभी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा, कोड और डायग्राम भी मिल जाएगा। जो 220 वोल्ट है वहाँ से हमने इसको 12 वोल्ट MP1 MP का यूज़ किया है। यहाँ कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है सब पूरा का पूरा DC सिस्टम है, इसलिए हमको स्टेप डाउन करना पड़ेगा और रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअल कंडीशन में तो ये शायद इससे थोड़ा अपोजिट होगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट AC सप्लाई यूज़ वाले पार्ट्स यूज़ हो गए, और यहाँ एक्चुअल आर्टिफिशियल हमने जो रेजिस्टेंस जनरेट किया है वो कंडीशन ऊपर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं, मान लो ये स्विच पुश कर रहे हैं तब ये स्टार्ट होगा, मीन्स यहाँ स्विच को जनरेट कर रहे हैं हम पोर्ट। एक्चुअल कंडीशन में इसका वर्किंग इससे अपोजिट होगा, वहाँ वो ऑलरेडी कनेक्ट ही होगा, जब डिसकनेक्ट होगा तभी ये स्टार्ट होगा, और यहाँ हमारा ऑलरेडी डिसकनेक्ट है और हम इसको पुश करके कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका कोडिंग है वो ऑन कंडीशन के ऊपर एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये स्टेप डाउन किया है, वहाँ से 7805 ट्रांसफॉर्म IC डाल के 5 वोल्ट का रेक्टिफाई किया है, साथों साथ उसको यहाँ से हमने यहाँ भी 3 जो बोर्ड है वहाँ यूज़ किया है, उसका सप्लाई भी Arduino और बाकी की सिस्टम है वो 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेड है, तो वहाँ से उसका सप्लाई उसमें यूज़ किया है। ये जो रिले बोर्ड है वो हमारा साइकिल जनरेट करने के लिए है, मीन्स वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा भाई, टाइम ड्यूरेशन के रिलेटेड आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए। तो ये यहाँ ग्राउंड उसका कनेक्ट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, कितने टाइम में कितना रजिस्टर आएगा। वो रजिस्टर वाला प्रोग्रामिंग हमने Arduino में किया है कि भाई अगर मान लो कोई भी ऐसा 1000 रजिस्टर जनरेट होगा तो आर में फॉल्ट होगा, और साथों साथ उसके रिलेटेड उसके किलोमीटर और रजिस्टर के ऊपर उसका वेरिएशन हमने प्रोग्रामिंग किया है। उसके साथ वहाँ से वो Arduino का आउटपुट ये जो डिस्प्ले है वहाँ जाएगा, और लास्ट में जो रिले है वहाँ जाएगा।
ये सप्लाई का सेम टू सेम, अगर दूसरा वाला ये पार्ट है कोरोजन, तो यहाँ से सप्लाई सिर्फ ये बजर में ही दिया है, क्योंकि हमको ये सिस्टम ऑफ नहीं करने का है, सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए है। तो यहाँ से ये आर्डिनो मॉनिटरिंग करेगा, डिस्प्ले पर शो करेगा और बजर बजेगा। लास्ट में ये जो वाला है पहला वाला, वो है थर्मल के लिए, थर्मल में प्रोटेक्शन आएगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तीन जो लास्ट वाला है वो लाइन ब्रेकिंग के लिए है। यहाँ को हमने कोई कंट्रोलर यूज़ नहीं किया है, रेगुलर जो वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम कर रहा है। तो मान लो नॉर्मली ब्रेकिंग सिस्टम होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ हमने कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वर्क करेगा। उसके बाद जो आएगा, तो हमने क्या है, जो मेन सप्लाई है हमारा, वो यहाँ से लेके हमने पहले फायर में डाला है, उसके बाद ये लाइन ब्रेकिंग में डाला है सीरीज़ में, और उसके बाद ये मेन सप्लाई में डाला है। तो एक के साथ दूसरा, एक बीजा के साथ वो सीरीज़ में है, तो जैसा फॉल्ट आएगा उसके हिसाब से वो वर्किंग करेगा।